मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के कटनी आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कटनी एसपी सुनील जैन का एक पत्र चर्चा में है, जिसको लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने इस पत्र में सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए थे। निर्देशों में कॉलम नंबर 6 को लेकर बवाल है। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर पत्र में निर्देश है कि सिख मुसलमान JKLF उल्फा सिमी और LTTE आतंकवादियों पर सख्त नजर रखी जाए। पत्र में सिख और मुसलमान शब्दों को लेकर बवाल हो रहा है, क्योंकि इनको आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं पत्र को लेकर मचे बवाल के बाद एडिशनल SP मनोज केडिया ने स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। इसमें संबंधित धर्म के अलग अलग ग्रुप से आशय था, लेकिन गलती से ग्रुप शब्द नहीं आया होगा। कुछ शब्द लिपिकीय गलती के कारण टाइप नहीं हुए हैं, लिहाजा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने इस पर खेद भी जताया है। VIP महोदय के भ्रमण के दौरान पुलिस विभाग द्वारा एक गोपनीय ड्यूटी चार्ट जारी किया गया था। उसमें पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश थे। उन सामान्य निर्देशों में कुछ लिपिकीय त्रुटि के कारण कुछ शब्द प्रिंट होने से रह गए, जिसके कारण कुछ उसके भावार्थ पृथक तरीके से निकाले जा रहे हैं। हमारा पुलिस परिवार कटनी का इस पूरे हमले में कहना है कि हम किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी आशय नहीं था, और इस लिपिकीय त्रुटि के कारण जो भी किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। सर, जो त्रुटि हुई है इसके लिए कोई आगे पुलिस विभाग की तरफ कोई कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें जिस लिपिक की ड्यूटी थी, इस प्रकार के ड्यूटी चार्ट बनाए जाने के लिए उसको हमने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल मंगलवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल का कटनी में अल्प प्रवास था, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस महकमे को कटनी SP सुनील जैन ने निर्देश जारी किए थे। आतंकवादियों पर नजर रखने के साथ ही पत्र में सिख और मुसलमान समुदायों को भी उल्फा और सिमी जैसी कैटेगरी में रख दिया गया था। इसके बाद से पत्र पर बवाल मचना शुरू हुआ, लिहाजा ASP ने सफाई देकर सारा मामला सामने रखा है और इसे लिपिकीय त्रुटि करार देकर खेद जताया है। पंजाब केसरी के लिए कटनी से संजीव वर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।